हरे कृष्णा राधे राधे। आज इस वीडियो में हम पवित्र पावनी पापन कुशा एकादशी व्रत की कथा सुनेंगे। पापन कुशा एकादशी पर भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। होता क्या है, चातुर्य मास में श्री हरि विष्णु शिव सागर में शयन करते हैं। भगवान विष्णु की जो ये विश्राम वाली अवस्था होती है, इसे ही उनका पद्मनाभ स्वरूप कहा जाता है। पापन कुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है, उसे अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध होते हैं। एकादशी व्रत की इस कथा को सुनने मात्र से हमें यमलोक के दुखों से मुक्ति मिलती है। बहुत ही भावपूर्ण प्रसंग है। अगर एकादशी व्रत नहीं कर पा रहे हो तो भी पूरे विधि विधान से एकादशी की पूजा जरूर करना, व्रत कथा जरूर सुनना, क्योंकि पापन कुशा एकादशी व्रत कथा पढ़ने सुनने मात्र से जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है। अब आपको पापन कुशा एकादशी की दो कथाएं बताती हूं, प्रेम से मन से भाव से सुने। एक बार जयकारा लगाएंगे, बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। एक समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे जगदीश्वर, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इस व्रत के करने से कौन से फलों की प्राप्ति होती है, कृपया करके सब बात विधान पूर्वक कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती नंदन, अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं तथा व्रत करने वाला अक्षय पुण्य का भागी होता है। इस एकादशी के दिन इच्छित फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इस पूजन के द्वारा मनुष्य को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। हे अर्जुन, जो मनुष्य कठिन तपस्याओं के द्वारा जिस फल की प्राप्ति करते हैं, वो फल इस एकादशी के दिन शिव सागर में शेष नाग पर शयन करने वाले भगवान विष्णु को नमस्कार करने मात्र से ही मिल जाता है और मनुष्य को यम के दुख नहीं भोगने पड़ते हैं। जो मनुष्य अज्ञानवश अनेक पाप तो कर देते हैं, फिर पछताते हुए हरि शरण लेते हैं और भगवान श्री हरि को नमस्कार करते हैं, फिर नरक में नहीं जाते। भगवान विष्णु के नाम के कीर्तन मात्र से संसार के सब तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। जो मनुष्य चक्रधारी भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं, उन्हें कभी भी यम यातना भोगनी नहीं पड़ती। इसलिए हे पार्थ, जो विष्णु भक्त शिवजी जी की निंदा करते हैं या जो शिव भक्त भगवान विष्णु की निंदा करते हैं, वे सभी नरक को जाते हैं। श्री हरि की शरणागत होने वाले को यम का भय नहीं रहता और उसको यम की यातना भी कभी नहीं भोगनी पड़ती। हजार अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एक एकादशी के फल के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। इसलिए इस एकादशी व्रत के समान संसार में अन्य कोई दूसरा व्रत नहीं है। इस एकादशी के समान विश्व में अन्य कोई पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करते, वे सदा पापों से घिरे रहते हैं। जो मनुष्य किसी कारणवश केवल इस एकादशी का उपवास करते हैं, तो उसे भी यम के दर्शन नहीं होते। एकादशी का व्रत करने के बराबर कोई पुण्य नहीं है। इस व्रत के समान कुछ भी तीनों लोकों में नहीं है। पापन कुशा एकादशी का व्रत करना मनुष्यों के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक मानव इस व्रत को नहीं करता, उसका शरीर पापों से मुक्त नहीं होता। इस एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को निरोगी काया और सुंदर नारी
धन धान्य की भी प्राप्ति होती है और अंत में वो स्वर्ग को जाता है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत में रात्रि जागरण करते हैं उन्हें सहज ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जब तक मनुष्य पापन कुशा एकादशी का व्रत नहीं करते तब तक उनके देह में पाप वास करते हैं। एकादशी के व्रत के बराबर गंगा, गया, काशी, कुरुक्षेत्र और पुष्कर भी पुण्यवान नहीं है। हरिवासर तथा एकादशी का व्रत करने और जागरण करने से सहज ही में मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त कर लेते हैं। इस एकादशी के व्रत करने वाले मनुष्यों के मातृ पक्ष के 10 पुरुष, पितृ पक्ष के 10 पुरुष तथा स्त्री पक्ष के 10 पुरुष भगवान विष्णु का रूप धारण करके सुंदर वस्त्र आभूषणों से परिपूर्ण होकर विष्णु लोक को जाते हैं। जो मनुष्य अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की पापन कुशा एकादशी का विधान पूर्वक उपवास करते हैं उन्हें विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भूमि, गौ, अन्न, जल, खड़ाऊ, वस्त्र, छत्र आदि चीजों का दान करते हैं उन्हें कभी यम के दर्शन नहीं होते। दरिद्र मनुष्यों को भी यथाशक्ति कुछ ना कुछ दान अवश्य ही देना चाहिए और पुण्य अर्जित करना चाहिए। जो मनुष्य किसी प्रकार के पुण्य कर्म किए बिना जीवन के सभी दिन ऐसे ही बिताता रहता है वो लोहार की भट्टी की तरह सांस लेता हुआ भी निर्जीव के समान बिना प्राणों के ही माना जाता है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ आदि बनवाते हैं उन्हें नरक के कष्ट कभी नहीं भोगने पड़ते। वो मनुष्य इस लोक में निरोगी, दीर्घायु, पुत्रवान तथा धन धान्य से परिपूर्ण होकर भरपूर सुख भोगते हैं और अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। भगवान श्री हरि की कृपा से उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। एकादशी महत्तम समाप्त। ओम श्री हरि विष्णवे नमः। अभी आपने भगवान श्री कृष्ण के मुख से पापन कुशा एकादशी का महत्तम सुना। अब आपको पापन कुशा एकादशी व्रत की दूसरी कहानी बताती हूँ। पापन कुशा एकादशी का व्रत करने से अनेकों अश्वमेघ यज्ञ और सूर्य यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार एक बार विंध्याचल पर्वत पर एक अत्यंत ही क्रूर शिकारी क्रोधना, जिसका नाम था, वो निवास करता था। उसका मुख्य काम लोगों को दुख तकलीफ देना था। उसका सारा जीवन हिंसा, लूटपाट, मदपान और गलत संगति, पाप कर्मों आदि में ही बीता। उसका अंतिम समय जब आया तो यमराज ने एक दूत को क्रोधना को लेने के लिए भेजा। जब यमराज के दूत बहेली को लेने आए और यमदूतों ने उस क्रोधना नाम के बहेली से कहा कि कल तुम्हारे जीवन का अंतिम दिन है, हम तुम्हें कल लेने आएंगे। अब ये बात सुनकर वो बहेलिया बहुत डर गया। क्रोधना क्रूर प्रवृत्ति का तो था, पर फिर भी वो मौत से बहुत डरता था। जिंदगी बचाने के लिए वो अंगीरा ऋषि की शरण में गया और उनसे मदद की गुहार लगाई। वो पापी महर्षि अंगीरा के चरणों में गिरकर प्रार्थना करने लगा। हे ऋषिवर, मैंने जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, कृपया कर मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरे सारे पाप मिट जाए और मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। संत महात्मा प्रेम की साक्षात मूर्ति होते हैं और जो भी, चाहे वो कितना भी पापी हो, जब किसी संत की शरण में जाते हैं तो संत उनका भला करते ही करते हैं। ऋषि अंगीरा ने भी उस शिकारी को इस प्रकार रोते देखकर उनके मन में बहुत दया आई। तब ऋषि अंगीरा ने शिकारी क्रोधना को मौत से का जो खौफ था उसे मुक्ति पाने के लिए पापन कुशा एकादशी के बारे में बताया और उसका व्रत विधि विधान से रखने के लिए कहा।
ऋषि की बात सुनकर उस जो महापापी क्रोधना था उसको कुछ शांति मिली, कुछ संतोष मिला। उसने ऋषि की आज्ञा का पालन करते हुए पापन कुशा एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से किया। व्रत के साथ ही वो श्री हरि विष्णु की पूजा अर्चना करता रहा। इस व्रत के प्रभाव से शिकारी क्रोधना के सभी पाप नष्ट हो गए और उसको मुक्ति मिल गई। इस व्रत पूजन के बल से, भगवान की कृपा से वो विष्णु लोक में प्रतिष्ठित हुआ। जब यमराज के यमदूतों ने इस चमत्कार को देखा तो वो बहेलिए को बिना लिए ही यमलोक वापस लौट आए। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, ये एकादशी पापों का नाश करती है, इसलिए ही इसे पापन कुशा, पापों पे अंकुश लगाने वाली एकादशी कहा जाता है। जो भक्त इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करते हैं वो सभी सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण बोले, युधिष्ठिर, ये एकादशी आरोग्यता, सुंदर सुशील स्त्री, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली है। ओम श्री कृष्ण शरणम्। ओम नमो नारायणाय नमः। अंत में कथा के सार के रूप में कहना चाहूंगी, मनुष्य को पापों से बचने का दृढ़ संकल्प करना चाहिए। यूं तो भगवान विष्णु का ध्यान करना, उनको याद करना, उनका स्मरण करना किसी भी रूप में बहुत ही सुखकारी ही होता है और सभी पापों का नाश करने वाला होता है। पर एकादशी के दिन प्रभु को याद करना, उनका स्मरण करना, भजन कीर्तन करना, ये इंसान के सभी कलेशों को दूर करते हैं, उनके पापों का अंत करते हैं। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं, सभी इसे क्षण भंगुर कहते हैं, अभी है और अभी नहीं है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, है ना। इसलिए अभी भी समय है, ज्यादा से ज्यादा भगवान के पवित्र नामों का जाप करो, क्योंकि कहा गया है कि कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसलिए प्रेम से, मन से, भाव से, हर समय, हर पल, हर सांस के साथ भगवान के पवित्र नामों का जाप करते रहो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्णा।